और मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही सबको करना है। और जो ऐसे योग करेंगे वो कभी रोगी नहीं होंगे, 100 साल तक निरोगी रहेंगे। अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कुछ नहीं कर सकते दो ही कर ले, इससे बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, SLMS, ऑटोमेन डिजीज और कैंसर जैसे रोग भी अच्छे हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। अब नीचे आ जाओ। भुजंगासन दो तरह से, एक तो ये दोनों हाथ छाती के साइड में रखिए और दोनों हाथ छाती के नीचे रख करके भी, दोनों पैर पीछे पास में रखो बेटा, आप भी पास में रखो बेटा, हाँ पास में आराध्य पैर, हाँ ऊपर देखो, यस ऐसे ऐसे ये आसन कर ले कुछ। ये इसका सीधा संबंध हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन, हमारे न्यूरॉन से, हमारे भाव चेतनाओं से रहता है। तो ये जो आसन अभी बताया हमने, ये आसन सर्वांगासन शीर्षासन पहले बता चुके, और ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, साथ में भ्रामरी, उद्गीत और शीतरी शीतकारी भी करें तो क्रोध से बचेंगे, आत्म शांति के लिए, विश्व शांति के लिए योग, योगा फॉर पीस, योगा फॉर वर्ल्ड पीस, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हार्मनी, योगा फॉर वननेस, योगा फॉर कोएग्जिस्टेंस, योगा फॉर ब्रदरहुड। ये योग के मूल सिद्धांत है, यही महात्मा गांधी जी के मूल सिद्धांत थे और उन्हीं की आज आवश्यकता है। हम खेत खलिहानों से लेकर के, माने एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, मीडिया से लेकर के, आजकल कुछ मीडिया में भी बहुत गुस्सा करते हैं ऐसे वहां ताबड़तोड़ जो है वो एंकरिंग करते हैं कि जैसे कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो। इसलिए रजत जी कहते हैं शोर कम, खबरें ज्यादा। जी स्वामी जी, कुछ शराबा आजकल मीडिया में भी एंकर मैनेजमेंट की जरूरत है। मुझे एक बार लगता है सारे एंकर्स को भी और सारे जो संपादक हैं, एडिटर्स हैं, उनको भी योग कराना पड़ेगा। हुसैन भाई, इंडिया टीवी के एंकर स्वामी जी शांत हैं और हम लोग मुस्कुरा के सवाल पूछते हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। आप चाहें तो जो अभियान आप चलाना चाहते हैं आप बाकी एंकर्स के लिए वो भी चला सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि शोर कम, खबरें ज्यादा। और स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं आपकी इजाजत के साथ। और आप सुबह सुबह योग करते हैं मुस्कुराते हुए, दिन भर एंकरिंग करते हैं बहुत अच्छी, चाहे सौरभ जी हैं, चाहे आप हैं, चाहे अमित जी हैं, अब जो है लगभग लगभग सभी की बारी आ चुकी है। सुरभि जी हैं, ज्योत्सना जी हैं, और अभी एक दो बचे हुए हैं हमारे भार्गव जी बचे हुए, एक दिन उनको भी लाएंगे। और सुबह सुबह रजत जी, रुचिज जी भी योग करते हैं जी। स्वामी जी, वैष्णो देवी कटरा से ध्रुव शर्मा का सवाल आया। भाई भी योग करते हैं, सब योग करते हैं, बिल्कुल सब योग कर रहे हैं और योग के जरिए अपनी जिंदगी को खुशहाल बना रहे हैं, सेहतमंद रह रहे हैं। ध्रुव शर्मा कटरा से उनका सवाल आया, अपनी माँ के लिए वो जानना चाहते हैं। उनकी माँ को एक कान में सूजन है और एलोपैथी से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कोई इलाज बता दें आप। ध्रुव शर्मा की माँ के एक कान में सूजन है, उन्हें क्या करना चाहिए? कान में सूजन है जी, उनको एक तो कायाकल्प तेल 5-5 बूंद कान में डालना चाहिए और कायाकल्प नीम गिलोय खाली पेट लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का कान में फंगल इन्फेक्शन होगा, और फंगल इन्फेक्शन ही नहीं, शरीर के भीतर और स्किन के ऊपर भी कहीं इन्फेक्शन होगा, कायाकल्प नीम गिलोय ये 3 गोलियां खाएं, और खाने के बाद चंद्रप्रभा सारीवाद्या और शिलाजित रसायन चंद्रप्रभा एक एक सारीवाद्या दो दो खा ले। उनकी माँ का ये कान का दर्द विद इन 3-7 डेज दूर हो जाएगा मेरे भाई हुसैन।